दी ललन टॉप के वीडियोस देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और नोटिफिकेशंस पाने के लिए बेल आइकन को प्रेस करें। कुछ ही दिनों पहले सरकार ने कई बैंक आपस में मर्ज किए हैं, उनमें से एक मेरा बैंक भी है। हम बैंक वाले कई महीनों से इस मर्जर वर्जर के प्रोसेस में पिसे पड़े थे। कोरोना के बारे में सबसे पहले न्यूज़ चैनल्स और सोशल मीडिया से ही जान पाया। सोशल मीडिया और न्यूज़ दोनों जगह से आ रही जानकारियाँ कई लेवल पर बिल्कुल अलग अलग थी। एक बात तो क्लियर थी कि ये ट्रांसफरेबल वायरस है। ये भी अंदेशा होने लगा था कि चाइना से निकलकर बाकी देशों में जाएगा ही, और न्यूज़ चैनल इस बारे में दिखा भी रहे थे। जब हमारे देश में इसके केस आने लगे तो सीरियसली डर लगने लगा। मैं जिस एरिया में रहता हूँ वहाँ का माहौल पूरा ग्रामीण है। यहाँ जो यंग जनरेशन है वो तो फिर भी जानती है इस वायरस के बारे में, लेकिन बाकी लोग उतने अवेयर नहीं हैं। लोगों ने देखा देखी मास्क पहनना जरूर शुरू कर दिया है, लेकिन सोशल डिस्टेंसिंग और हैंड वॉश को इतना सीरियसली नहीं ले रहे। इस लॉकडाउन के वक्त बैंक्स खुले हुए हैं। यहाँ सरकार के निर्देश जरूर हैं कि मास्क और सैनिटाइजर खरीद लें, लेकिन उन्होंने इस बात का ध्यान नहीं दिया कि मुदनापुर के इस छोटे से ग्रामीण इलाके में कहाँ से सैनिटाइजर और मास्क मिलेगा। और देश में न जाने ऐसे कितने ही गांव होंगे जब शहर वालों के लिए ही आउट ऑफ स्टॉक हो जा रहा है, तो ग्रामीण इलाकों में कैसे पहुंचे। सरकार को कोई व्यवस्था इस नज़रिए से भी करनी चाहिए थी। इस वक्त जब सभी ट्रांसपोर्ट बंद हो चुके हैं, मैं दोस्त की बाइक उधार मांग कर ऑफिस के लिए 20 किलोमीटर अप डाउन कर रहा हूँ। ऐसे एरियाज में छोटा मोटा लेन देन भी बैंक से ही करते हैं लोग, इसीलिए कस्टमर की तादाद में कोई भारी गिरावट नहीं आई है। तो ऐसे में सोशल डिस्टेंसिंग और हाइजीन को मेंटेन करना बहुत मुश्किल हो जाता है। आज भी कस्टमर अपनी पासबुक आधार कार्ड वगैरह अपडेट करवाने के लिए बैंक आ रहे हैं। इसका नोटिस भी लगा हुआ है कि नहीं होगा, फिर भी नहीं मानते। हर छोटी सी बात के लिए उन्हें आधे आधे घंटे बहस करनी पड़ती है, समझाना पड़ता है। यहाँ की मिट्टी में ही क्रांति है। यहाँ लोग एक रुपये के अपडेट के लिए भी बैंक आ सकते हैं, आते रहे हैं। एक बार ऐसे ही एक व्यक्ति आए एक रुपए के मिलान को अपडेट कराने। पढ़े लिखे बुजुर्ग थे, कई दिनों तक आते रहे। हिसाब नहीं मिल रहा था उनके एक रुपए का। हार कर मैंने अपनी जेब से ही उनके अकाउंट में एक रुपया डाल दिया। इस पर वो यह कहकर गए कि ये मेरी नैतिक जीत है। इस तरह के लोगों को समझाना कितना मुश्किल और हेक्टिक हो सकता है, समझ सकते हो। ये लोग समझ नहीं रहे कि कितना खतरनाक है यह बाहर घूमना और इस वायरस से बचना। मैं वैसे ही डरा रहता हूँ उस पर। इस तरह की बहस मुझे और भी मानसिक तौर पर डिस्टर्ब कर देती है। मुझे ऑफिस किस लिए बुलाया जा रहा है, इन्हीं के लिए? और ये कुछ समझना ही नहीं चाहते। इस दौरान आशा वर्कर का नेटवर्क इस वक्त बहुत अच्छा काम कर रहा है। ये हर गांव के हर व्यक्ति का डाटा कलेक्ट कर रहे हैं, कौन यहाँ कब आया, किसको क्या बीमारी है, बाहर से किस डेट पर यहाँ पे आया, ये सब डाटा वो कलेक्ट कर रही हैं। फ्लड साइक्लोन सेंटर लगते रहते हैं। आज भी ऑफिस से आते वक्त देखा कि साइक्लोन सेंटर के पास डाटा कलेक्शन का काम चल रहा था। मैं वैसे दिल्ली का रहने वाला हूँ, पोस्टिंग के चलते 5 साल से घर से बाहर घूम रहा हूँ। मर्जिंग के बाद कुछ उम्मीद हुई थी कि शायद दिल्ली रीजन में वापस पोस्टिंग हो जाएगी, लेकिन लॉकडाउन की वजह से सभी ऑर्डर डिले चल रहे हैं। ये सोचता हूँ और वक्त कठोर नजर आता है। विदेश में रहते हैं और आपके इलाके तक पहुंचा है कोरोना वायरस का असर, कैसे हैं हालात, उस देश की सरकार ने उठाए हैं क्या कदम, और आप खुद कैसे कर रहे हैं कोरोना वायरस को डील, अगर सब तक अपनी बात पहुंचाना चाहते हैं तो बनिए दी ललन टॉक की कोरोना डायरीज का हिस्सा। अपना वीडियो बनाइए, ड्यूरेशन मात्र 3 मिनट। वीडियो की शुरुआत में अपना नाम, काम, उम्र और पता बताइए, फिर बताइए अपना अनुभव। अपने अलावा थोड़े आसपास का माहौल भी दिखाइए, चाहे बालकनी से वीडियो बनाइए या दिखाइए कि कैसा है आपके दफ्तर का सीन। और वीडियो भेजने का पता है coronadiariesLT@gmail.com। आपकी बात को दुनिया तक पहुंचाएगा और कोरोना डायरीज को वायरस से लड़ाई का हथियार बनाएगा आपका दोस्त दी ललन टॉक।